डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आया हूं, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन के अंदर। क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है यार। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने मर्जी स्टूडेंट जो भी पाइथन के अंदर आज के टाइम पे कुछ ना कुछ लर्न करना चाहता है, उसको बिना प्रोग्रामिंग किए, बिना टाइपिंग, बिना सिंटेक्स लिखे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए पूरा का पूरा ये जो कोर्स आपके लिए डिजाइन किया ना, इसको एक एक करके अच्छे से देखो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि पाइथन एक तरफ है, बाकी एक तरफ है। मतलब पाइथन जो है वो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से यूज हो रही है, अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रही है। तो बच्चे बच्चे को भी आज के टाइम पे पाइथन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि AI, मशीन लर्निंग, ये वाली चीजें चल रही है, डेटा साइंस, और इसके अंदर, इन सारी फील्ड्स के अंदर पाइथन का हैवीली यूसेज है। तो देखो, प्रोग्राम क्या कह रहे हैं हम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉजिटिव नंबर x इज डिवाइडेड विद अ पॉजिटिव नंबर y। मतलब कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है x और एक पॉजिटिव नंबर है y। जैसे कुछ भी ले लो यार, जैसे एक 10 ले लिया, एक 5 ले लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर तो आपको पता ही है। अब पॉजिटिव नंबर्स है, मेरे को ऊपर वाला भी पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले पॉजिटिव, और मुझे डिवाइड करना है इसको, और जो डिवीजन, मतलब डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर है उसको मुझे प्रिंट कराना है। ये तो यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है सर, कुछ भी नहीं है, हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 10 को 5 से डिवाइड करना है तो भैया ये वाला फंक्शन हम लोग यूज करते हैं सिंबल, या फिर मैं फ्लोर डिवीजन भी यूज कर सकता हूँ, बहुत सारे इसके लिए सिंबल्स आते हैं। लेकिन उन्होंने वही चीज यहाँ पे बोली हुई है, यू आर अलाउड टू यूज ओनली प्लस माइनस सिंबल, यूज ऑफ दिस 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 सिंबल इज प्रोहिबिटेड। मतलब आपको सिंबल से नहीं करना, वो तो बच्चों वाला काम हो गया, आपको एक्चुअल में प्लस या फिर माइनस का ही यूज करना है, और उसके थ्रू आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है डिवाइड करके। अब देखो यार, इसमें भी बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 × 3, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, 2 को हम 3 बार प्लस कर रहे हैं, बात एक ही है। मतलब हमें एक्चुअल में क्या है, हम तो इजीनेस के लिए हम लोग जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर जो है वो मेनली एडर सब्ट्रैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये चीजें जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, क्योंकि अगर सर्किट में मैं मल्टीप्लीकेशन का भी डालूंगा, डिवीजन का भी डालूंगा, अगर मैं शिफ्ट का भी डालूंगा, तो यार ये चीजें बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं। तो इसीलिए जो सर्किट डिजाइन किया जाता है ना, जो आप जिसकी हम बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं, तो हार्डवेयर जब डिजाइन किया जाता है उसमें बहुत सारी चिप्स नहीं डाली जाती, वो इन्हीं चीजों से ही सारे फंक्शन कर लेते हैं। उसके बाद शिफ्ट्स वगैरह आते हैं, उसके थ्रू शिफ्ट राइट करो या शिफ्ट लेफ्ट करो, ये सारी चीजों से हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी को अगर मुझे करना है सिर्फ प्लस और माइनस से, तो कैसे करेंगे? अगेन बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं, लेकिन मैं रिकर्सिव अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। रिकर्सिव मैं ऑलरेडी एक पहले वाली वीडियोस में बता दूँ कि आपके पास आइटरेटिव अप्रोच होती है और एक रिकर्सिव अप्रोच होती है। रिकर्सिव मतलब अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, दैट इज अ रिकर्जन, और उसको हमने यहाँ पे यूज किया। तो क्या किया, एक फंक्शन लिया, फंक्शन की डेफिनेशन x और y, ऑब्वियसली यहाँ पे x क्या है, मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, y भी मेरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। इफ x इज लेस देन y तो रिटर्न कर दो x को, अदरवाइज क्या करो, रिटर्न फंक्शन ऑफ x माइनस y कॉमा y। सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट से मुझे क्या करना है, मुझे लेट से आपको 30 को 10 से डिवाइड करना है। अब देखो, 30 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इसको अगर मुझे करना है, तो देखो फंक्शन ऑफ 30, 10 इसको कॉल किया, क्या 30 लेस देन 10 है, नहीं है, तो सीधा अंदर गए, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमें फंक्शन, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, फंक्शन x माइनस वाई, ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो अगर करेंगे तो -20 आ जाएगा, और y एज इट इज, y मतलब 10 एज इट इज। अब ये एक तरह से x हो गया, ये y हो गया, दोबारा से फिर 20, x लेस देन है, नहीं है जी, तो फिर से कॉल किया फंक्शन, यहां पे 20 माइनस 10 किया तो 10 कॉमा y मेरा एज इट इज, y को एज इट इज, x माइनस y को इस जगह पे कर दो, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, इक्वल टू है, बट यहां पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया, 10 लेस देन 10 है, नहीं है, तो फिर रिटर्न करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल करेगा, तो यहां पे 10 माइनस 10 करेंगे तो 0, और y को एज इट इज, तो ये मेरा x है, ये मेरा y है, देन अगेन कॉल किया 0 लेस देन 10,
जीरो लेस देन 10, ये ट्रू हो गया। जैसे ही ये ट्रू हुआ, अंदर गया, रिटर्न कर दिया एक्स को, मतलब जीरो को रिटर्न कर दिया, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, जीरो, वही आपका आर। यही सिंपल सा फंक्शन हमें करना है। अब आप कोई भी इंटीजर ले लो, दो पॉजिटिव, अगर आप उनको डिवाइड करते हो आपस में, तो ये प्रिंट करेगा उसका रिमाइंडर। तो ये रिकर्सिव अप्रोच है। आप उल्टा भी, जैसे अगर मैं लेट्स से फंक्शन 10, 30 कर दूं, मतलब लेट से मैं 10 को 30 से डिवाइड करूं। अब देखो, 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो एक तरह से 10 ही आ रहा है, तो उस केस में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 10 लेस देन 30, यस, तो सीधा x को रिटर्न कर दो, मतलब आपका 10 ही आ जाए, तो इसमें तो कोई करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर लेट से x वाला नंबर बड़ा है और y वाला नंबर छोटा है, तो अगर आप करके देखो, कोई भी वैल्यूज आप अपने एंड पे भी डाल के देखो, आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो, सारे पॉइंट्स और इवन आपका कोड जो है वो आप नोट करके इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इज देयर एनी अदर अप्रोच। अगर कोई अदर अप्रोच है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, तो वो भी स्टूडेंट ताकि फॉलो कर ले। थैंक यू।